पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया जा रहा है। लेकिन धामी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष ने अब सवाल खड़ा किया है। एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने चुटकी ली और सवाल दागे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में, और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे मैंने भैया की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीजें हैं, धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है, नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना जबरदस्त कानून आया, आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। और धर्मांतरण के कानून को रोकने के लिए आपने देखा है कितना बड़ा कानून हमने पास किया है, समान नागरिक संहिता बनाने के लिए इतिहास बनाया है, पूरे देश के लोग आज उसका उदाहरण दे रहे हैं।